देखो, इस तरीके के जो 4G राउटर होती है इसको लेकर एक कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर इस तरीके के जो 4G राउटर, इस पर रिचार्ज कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्या इस पर रिचार्ज कंपनी वाले करते हैं, हमें पैसा कंपनी वाले को देना पड़ता है, क्या है आखिर इसका प्रोसेस, रिचार्ज प्रोसेस क्या है, कैसे रिचार्ज होता है। और अगर आप भी इस तरीके के 4G राउटर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को इन तक जरूर से देख लेना, क्योंकि यह वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज मैं आपको इस राउटर की सच्चाई बताने वाला हूं कि कितना काम करता है, कैसे रिचार्ज होता है, सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, ये जो 4G राउटर होती है तो इस पर एक सिम कार्ड लगती है, ठीक है, नैनो सिम लगती है। आप जियो का, आइडिया का, कोई से भी सिम इस पर लगा सकते हो, ये यूनिवर्सल है। इस पर आपको एयरटेल का अलग मिलेगा, VI का अलग मिलेगा, सबका अलग अलग मिलता है, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो जनरल है। इस पर आप कोई भी सिम घुसेड़ के इंटरनेट चला सकते हो, ठीक है। तो इस पर जो हम सिम घुसेड़ेंगे, जो सिम हम इस पर लगाएंगे, उसी नंबर पर हमें रिचार्ज कराना पड़ेगा, समझ मेरी बात। इसके रिचार्ज प्रोसेस यही है कि यहाँ पर जो हम सिम लगाएंगे, ठीक है, तो उस सिम का जो भी नंबर होगा उसी नंबर पर हमें रिचार्ज कराना पड़ेगा। और इसके रिचार्ज बिल्कुल मोबाइल रिचार्ज की तरह ही होता है, 299, 399, 655, ये जो रिचार्ज होती है वही रिचार्ज इस पर वर्क करेगा। मतलब आप अपने फ़ोन में यूज़ करने के लिए जो इंटरनेट पैक डलवाते हो उसी वाले रिचार्ज को आपको इस पर कराना पड़ेगा। इससे मतलब इसके अंदर जो आप सिम घुसेड़ोगे, जो सिम डालोगे, वही सिम पर आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। और आपके उस नंबर पर जो भी आप रिचार्ज करवाओगे उसी के हिसाब से आप इस पर इंटरनेट यूज़ कर पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आप इस पर सिम यूज़ नहीं करते, आप वाईफाई को इस पर इंसर्ट करके एक्सटर्नल एक्सटेंड करना चाहते हो, तो इस पर कोई भी रिचार्ज की ज़रूरत नहीं। मतलब ये लैन और वैन दोनों को सपोर्ट करता है। मतलब अब इसमें वैन केबल इंसर्ट कीजिए और लैन के जरिए इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है। लाइन और वैन दोनों को काम करता है, ठीक है। इसके अलावा सिम तो काम करता है, मैंने आपको बता दिया। तो फंडा वही है, जो आप सिम डालोगे उस सिम रिचार्ज कराओ और इंटरनेट चला सकते हो। अब बात करते हैं इसकी कुछ सच्चाई के बारे में, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट होती है 4G राउटर, सबसे घटिया प्रोडक्ट है। पूछो क्यों? इस प्रोडक्ट को मैं जब से लिया हूं तब से कचड़े के कूड़े में पड़ा है, यूज ही नहीं होता। क्योंकि अगर इसमें हम सिम डालते हैं, इंटरनेट चलाते हैं वाईफाई की मदद से, लैंड केबल की मदद से, तो स्पीड कितनी आती है? 0 MBPS। सोचो, 0 MBPS की स्पीड आती है। अब इसमें क्या मैं घंटा वीडियो अपलोड कर पाऊंगा यार? हमारी वीडियो 1 GB 2 GB की होती है और 0 MBPS की स्पीड देगा तो कितना घंटा लगेगा एक वीडियो को अपलोड होने में? इसको मैं लेता 3300 में, 3300 में लिया था और ये 3 पैसे के भी काम नहीं आई। मतलब इसको लेने के बाद बस कचरे के ढेर पे पड़ा, बिल्कुल सोल्ड, एकदम नया का नया ये पड़ा है, क्योंकि ये काम ही नहीं आता भाई। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि इस तरीके के 4G राउटर लेकर के आप इंटरनेट चला पाओगे, तो बिल्कुल मत लेना भाई, पैसा वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है। और अगर लेना चाहते हो तो जो 1500 में मिल जाए ऐसा ही लेना, इतना महंगा लेने कोई भी जरूरत नहीं है। और मैं आपको सच कहूँ ना तो मोबाइल के हॉटस्पॉट ही सबसे परफेक्ट है, उससे बेहतर कोई भी ऑप्शन अभी तक मुझे नहीं मिला इंटरनेट चलाने के लिए। और अगर आपके पास अच्छी खासी बजट है तो आप वाईफाई केबल लगवा लीजिए, इंटरनेट केबल लगवा लीजिए, जैसे मैंने लगवा के रखा है अपने यहाँ इंटरनेट केबल। फिर आप जितना चाहे इंटरनेट यूज़ कीजिए, उसमें कोई लिमिट नहीं होता, अनलिमिटेड होता है वो, अनलिमिटेड। जितना लोड करने करो, जितना अपलोड करने करो, सब फ्री है टोटल। बस आप मंथली रिचार्ज कराओ और इंटरनेट का इस्तेमाल करो। ये सबसे फालतू चीज़ है भाई, मैं आपको रियल बता रहा हूँ ये, बिल्कुल। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है इसकी स्पीड को लेकर के, कि मोबाइल के हार्ड स्पॉट और इस 4G राउटर की स्पीड दोनों में कितनी फर्क है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। आपको ऊपर आई बटन में वीडियो को लिंक दे रहा हूँ, जाकर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ये जो राउटर होती है ये कितना वर्किंग है, कितना यूजफुल प्रोडक्ट है। बिल्कुल फ्लॉप मानता हूँ मैं। तो अगर आप लेना चाह रहे हो प्रोडक्टों को, बिल्कुल भी मत लेना। और अगर इच्छा है लेने का तो सस्ती वाली लेना। मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पर कुछ लिंक दे रहा हूँ इस प्रोडक्ट का, उसे आप एक बार बाय करके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। रही बात रिचार्ज की, तो मैं आपको बता दिया कि इस पर रिचार्ज नहीं होता, इस पर जो सिम लगता है उस सिम पर रिचार्ज होता है, और उस पर वही रिचार्ज होता है जो आप अपने मोबाइल फोन पर कराते हो, ठीक है। सारा फंडा मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई आपको कर दूंगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगी, जानकारी मिल गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो पे नई टॉपिक के साथ, तब तक।